तो इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से है, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी आज कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में शामिल होंगे। 9:50 पर दून मेडिकल कॉलेज पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। इसके बाद इमरजेंसी के नवनिर्मित भवन का सीएम करेंगे लोकार्पण। आशा संगनी पोर्टल का भी सीएम शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही 11 बजे सचिवालय पहुंचेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो परिवहन विभाग की करेंगे समीक्षा बैठक। 1 बजे गोरखा मिलिट्री कॉलेज कड़ी कैंट पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। इसके साथ ही सूचना विभाग की विकास पुस्तिका का विमोचन भी करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो आज कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में शामिल होंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। आपको बता दें कि 9:50 पर दून मेडिकल कॉलेज पहुंचेंगे सीएम धामी। तो ऐसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता जी जुड़ चुके हैं। अवनीश जी, क्या कुछ अधिक जानकारी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दौरे को लेकर? देखिए, अगर बात करें पुष्कर सिंह धामी की, अभी कुछ ही देर में जो है वो यहाँ पर दून मेडिकल कॉलेज जो है वहाँ से उसके इमरजेंसी का जो ओपीडी है, नया भवन है, उसका बाकायदा जो है लोकार्पण करेंगे। इस मौके पर उनके साथ जो स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत है वो रहेंगे और कई नेता जो है उनके साथ यहाँ पे जो है मौजूद रहेंगे। इसके बाद लगभग 11 बजे के करीब वो जो है सचिवालय पहुंचेंगे, जहाँ परिवहन विभाग से संबंधित जो है समीक्षा बैठक होगी। क्योंकि जिस तरीके से अब देखा जाए तो जो है इलेक्ट्रिक बसें उतारने की बात कर रही है, सर यहाँ पे जो है समीक्षा जरूर की जाएगी। लगभग 1:30 बजे के करीब जो है वो गोरखा मिलिट्री इंटर कॉलेज में पहुंचेंगे, जहाँ सूचना विभाग के विकास की जो एक पुस्तिका है उसका विमोचन करेंगे। जी अवनीश जी, अगर बात करें तो इमरजेंसी के लिए निर्मित भवन का सीएम लोकार्पण करेंगे, तो ये किस उद्देश्य के और पर्पज से बनाया गया है, इसका क्या यूज होगा? देखिए, उसे यहाँ पर अगर बात करें स्वास्थ्य विभाग की, लगातार जो है सरकार सत्ता से रही है, उनका कहना था कि जो स्वास्थ्य विभाग स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो जनता को ज्यादा से ज्यादा मुहैया हो सके, सस्ते में मुहैया हो सके, और दूसरी बात जो है उनको सुविधाएं सारी मिल सके। तो इमरजेंसी में जो है यहाँ पे जो पुरानी जो बिल्डिंग थी उसमें इमरजेंसी वार्ड छोटा था, हम भी सबके लिए हो रहा है, तो इमरजेंसी का जो एक वार्ड था उसमें बाकायदा जो पूरी फैसिलिटी जो है, आईसीयू बेड है, ऑक्सीजन बेड है, तमाम जो है वो उसमें नई सुविधाओं के साथ जो है उसको लैस कर दिया गया, तमाम जो सुविधाएं वहां पर उपलब्ध कराई जा रही है, उसी भवन का जो है बाकायदा लोकार्पण किया जा रहा है। अवनीश जी, अगर बात करें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 11 बजे सचिवालय में पहुंचेंगे, जहां परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक करेंगे, तो परिवहन को लेकर किस तरह की समीक्षा बैठक करेंगे? क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि उत्तराखंड में लगातार एक के बाद एक कई हादसे जो है वो हाल ही में सामने आए, ऐसे में परिवहन विभाग को लेकर किस तरह के दिशा निर्देश देंगे, अधिकारियों को किस तरह से निर्देश देंगे? देखिए, अगर यहाँ पे बात करें परिवहन विभाग की, तो परिवहन विभाग में लगातार जिस तरीके से पुरानी बसें थी यहाँ पर जो है खस्ताहाल बस थी, ड्राइवरों की बात करें नशा करके ड्राइविंग करते थे, ये तमाम चीजों को लेके उसको जो है जिस तरीके से गड्ढा मुक्त की बात यहाँ पे उन्होंने की थी कि जिससे कि जो है कम से कम दुर्घटनाएं हों, और ये तमाम चीजें लेकर जिस तरीके से अब बसें उतारने की बात हो रही है, इलेक्ट्रिक बसें की बात चल रही है, इन चीजों को लेकर परिवहन विभाग के साथ बाकायदा समीक्षा की जाएगी। धन्यवाद आपका इस पर अधिक जानकारी के लिए।